बच्चा, उसका भाई, उसने महाबालासुर के साथ बहुत समय बिताया है। मुझे इस बच्चे के लिए उसकी कोई योजना नहीं दिख रही। वो एक सनकी जीव है। वो राजी को हराने के लिए गोलू का इस्तेमाल करेगा, उसके प्यार को उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। उसे संभल कर रहना होगा। हमारे पूर्वजों की इस बात का मतलब क्या है? जब बिपलाद छोटा बच्चा था, उसके पिता दधीची ने अपनी हड्डियां बलिदान कर दी थी, जिससे देवता असुरों को हरा सके। बिपलाद ने देवों से पूछा कि उसके परिवार को ये कष्ट क्यों मिले, और उन्होंने कहा, ये सब तो ग्रहों का खेल है। बिपलाद को अपने भाग्य पर गुस्सा आ गया और उसने शनि ग्रह को श्राप दिया, जिससे उसका दिव्य घर आसमान से ये शिव और सती की शादी है, जिससे सती के पिता दक्ष को बहुत गुस्सा आया। दक्ष ने अपनी बेटी को नीचा दिखाया और शिव का सबके सामने अपमान किया। सती ये सहन नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को आग में झोंक अश्वत्थामा का जन्म। द्रोण की कई सालों की तपस्या के बाद हुआ था। उसके माथे पर एक मणि थी जो उसे महान योद्धा बनाती थी। जब द्रोण को चाल से मार दिया गया, तब अश्वत्थामा ने अर्जुन को चुनौती दी।
दोनों योद्धाओं ने मंत्रों से विनाशकारी अस्त्र बनाए। अर्जुन समझदार था, उसने अपना अस्त्र रोक लिया, लेकिन अश्वत्थामा ने ऐसा नहीं किया। एक बार मैंने पृथ्वी पर राम के रूप में जन्म लिया था। भगवान शिव बहुत खुश हुए और उन्होंने इच्छा जताई कि मेरी रहस्यवादियों का घर उन्होंने जला दिया। गोलू, तुम इतने चालाक हो कि खुद को चोट नहीं पहुंचने दोगे। तुम्हें सुरक्षित रहना होगा। मैं प्रार्थना करूंगी कि तुम सुरक्षित रहो। मुझे लगता है उसके लिए ये देखना कठिन होगा। युद्ध अच्छा नहीं होता, इसमें विनाश, मौत, हड्डियां और खून बहता है। ये सुंदर तो नहीं होगा, लेकिन उसे अपने शत्रु की दुष्टता की सीमा देखनी होगी।
सकता है। ये हत्या किसने की? अपना चेहरा दिखाओ कायर, मैं तुम्हें और मासूमों को मारने नहीं दूंगी। उसे ये देखने की जरूरत थी, उसे पता होना चाहिए कि महाबाला सूर क्या कर सकता है। मुझे माफ कर दो राजी। उसकी खोज अब केवल उसके भाई तक नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए जो इस दुष्टता को सहन कर रहे हैं। मैं तुम्हें देख रही हूँ, मैं आ रही हूँ और मैं तुम्हें रोकूंगी। रहस्यवादियों का सरदार बहुत समय तक महाबालासुर के हमले से बच नहीं पाएगा। राजी को तेजी दिखानी होगी। Thank you.
वो नाग का सामना कैसे करेगी? वो उपदेवता है। ये उसका शत्रु नहीं है, ये रहस्यवादियों की धरती का रक्षक है। वो इस भ्रष्टता से परेशान है जो इस हमले से हुई है। राजी को उसका भरोसा जीतना होगा। मैं अपने भाई को अगर आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं तो क्या इसकी सुनेंगे?